हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से मेरी चैनल फैक्ट्री में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। इस चैनल के द्वारा मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी दूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरे वीडियोस अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करने को प्लीज़ मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बात करने वाली हूँ जो देश विदेशों के सरकार द्वारा बनाया गया है। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय के बारे में बात करने वाले हैं जो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और अपनी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के चैंपियंस हैं। कुछ देश की परंपरा और कुछ देश अपने धर्म से बांधे हुए हैं। तो दोस्तों, कुछ देशों में आप लोग भी प्रवेश करने से पहले देख लीजिए ये वीडियो। नंबर 7 में है नॉर्थ कोरिया। ये एकमात्र देश है जो आज भी पूरी तरह से कम्युनिस्ट है। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा अन्य देशों के टूरिस्ट को अलाउ करते हैं नॉर्थ कोरिया में घुसने को। टूरिस्ट को पर्सनल एस्कॉर्ट्स असाइन करते हैं, जिसे माइंडर्स कहा जाता है। ये एस्कॉर्ट्स टूरिस्ट के साथ रहेंगे जिस दिन से वे आते हैं, जब तक टूरिस्ट जाने के लिए उड़ान ना भर ले, ये देखने के लिए कि कोई टूरिस्ट नियम नहीं तोड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सरकार के खिलाफ बोलना टीवी, रेडियो और प्रिंट से लेकर सब कुछ प्रशासन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समाचार और प्रशासन के लिए कंटेंट सेंसर्ड कर दी गई है। इंटरनेट का उपयोग केवल रूलिंग एलाइट को ही दिया जाता है, और यहाँ तक उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया में भी एक स्ट्रिक्ट फैशन कोड है, जहां महिलाओं को पैंट्स पहनने की अनुमति नहीं है और पुरुष को हर 15 दिनों में अपने बाल कटवाने होंगे। नंबर 6 में है ईरान। फिलोसॉफिकल टेनेट्स द्वारा गवर्न्ड अधिकांश देशों के विपरीत ईरान का शासन धर्म पर आधारित है और वो शरिया कानून है। ईरान में सरकार के खिलाफ कार्रवाई और प्रसार प्रतिबंधित है। यहाँ फेसबुक, गूगल, यूट्यूब कुछ भी चलाने पर परेशानी में पड़ सकते हैं। पुरुष इस्लाम में निर्धारित के अलावा कुछ अन्य हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। महिलाओं निश्चित ड्रेस कोड जैसे हिजाब के बिना पब्लिक प्लेस में घूमना अलाउ नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रतिबंध है। नंबर 5 में है सीरिया। सीरिया में कुछ वर्षों में हिंसा बढ़ी है, क्योंकि सरकार और विद्रोही वालों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार विरोधियों को दबाने के लिए सीरियन रिजाइन ने नेशनवाइड ब्लैकआउट का सहारा लिया है। मोबाइल, इंटरनेट एसेस, ये सब कम्युनिकेशंस बहुत सीमित में उपयोग होते हैं। विदेशी समाचार को देश में घुसने को बैन है। सीरियन जर्नलिस्ट जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, उन्हें टॉर्चर कर मार भी दिया जाता है। नंबर 4 में है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में अपना पर्दा हटा लिया है और बाकी दुनिया के साथ घुल मिल गए हैं। ये देश अभी भी धर्म और परंपरा की कानूनों से घिरी है। ये देश में ज्यादातर महिलाओं में कानून लागू है, जैसे महिला गाड़ी चलाने में या अपने रिलेटिव के अलावा किसी और पुरुष के साथ नहीं घूम सकते। यहाँ तक कैजुअल क्लोथ्स भी नहीं पहन सकते। इंटरनेट एसेस और मीडिया आउटलेट्स में भी कड़ी नजर होती है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मीडिया में निगेटिव बोलते हैं तो सीनियर एडिटर्स को अरेस्ट किया जा सकता है। नंबर 3 में है चाइना। चीन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो दुनिया को तूफान से घेर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि चीन अभी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और इसका मतलब है कि किसी को भी सरकार के कानून को पार नहीं करना चाहिए। एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा तुरंत पता लगाया जाता है और जिम्मेदार लोगों को चुप कराया दिया जाता है। चीनी युवाओं के मन में वेस्टर्न थॉट्स का प्रभाव डालना अपराध है। नंबर 2 में है जापान। बहुत से लोग मानते हैं कि फ्यूडल सिस्टम, जो कि एक समय पहले जापान में मौजूद थी,
आधुनिक जापानी सरकार अपने बिजनेस के से करते हैं, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े है। अधिकार का पदानुक्रम घर, स्कूल, ऑफिस और वर्कप्लेस में लगभग सभी में प्रचलित है। जो अपने से ऊंचा होते हैं, उसका हर कोई सम्मान करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू और हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी के बारे में बात करना प्रतिबंधित है। नंबर एक में है सिंगापुर। सिंगापुर छोटा हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों और टूरिस्ट पर समान रूप से अपने नियमों और नीतियों के लिए सरकार का फर्म इम्प्लीमेंटेशन इस लिस्ट के अन्य देशों की तुलना में अधिक है। पब्लिक प्लेस पे थूकना मना है। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना आपको अधिक संकट में डाल देंगे। तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता अगर गंभीर अपराधों के लिए सिंगापुर की सरकार कितने सख्त है। इसी सख्त नियमों के पालन के लिए सिंगापुर को एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये सब देशों के कानून के बारे में जानना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के पास जल्द ही आऊंगी। और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।